जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया और आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज बात करने वाले हम लोग मित्तल लाइफ स्टाइल लिमिटेड कंपनी के बारे में। कमाल का पेन स्टॉक है दोस्तों, पिछले कुछ समय में शानदार रिटर्न निकाल कर दिया और साथ में देखेंगे तो आने वाले समय में भी इस स्टॉक में आपको अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसके शेयर प्राइस में भी अच्छी खासी तेजी आने वाली है, जिसके लिए मैं इस वीडियो में अपडेट कर रहा हूँ आपको। मित्तल लाइफ स्टाइल जो पेनी स्टॉक है, स्टॉक मार्केट में पेनी स्टॉक की जो हम बात करते हैं तो ये स्टॉक सबसे ऊपर और काफी चर्चित रहने वाले स्टॉक्स में शुमार है और काफी इन दिनों इसका नाम लिया जा रहा है। तो हमने भी सोचा अपने दर्शकों को इसके बारे में अपडेट दें, तो चलिए एक वीडियो इस पे लेके मैं हाजिर हूँ। आपको बताता हूँ कंपनी कैसी है, क्या काम करती है, फ्यूचर कैसा है, इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं, और अगर पहले से आपका इन्वेस्टमेंट है तो आगे की आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पर भी खुलकर बात करेंगे। आइए सबसे पहले समझते हैं कंपनी के काम। देखिए 2005 में कंपनी की स्थापना हुई थी। 2005 में जब कंपनी की स्थापना हुई तब से लेकर अभी तक कंपनी का जो काम है फैब्रिक का है, फैब्रिक और डेनिम जींस वगैरह पर कंपनी बनाती है। काम धाम काफी अच्छा है, काम के बेसिस पर कंपनी के शेयर प्राइस में लंबी अवधि में तेजी बने रहने के चांसेस रहेंगे। अब समझिए काम सिर्फ अगर हम देखते हैं काम, देखिए मैं एक सिंपल बात बता रहा हूँ, काम बहुत अच्छा ना भी हो अगर कंपनी के फंडामेंटल में आपको ग्रोथ दिख रही है समय दर समय, तो उसमें एक तेजी उसके शेयर प्राइस में तेजी आने के चांसेस होते हैं। मैनेजमेंट भी अच्छा काम कर रहा हो, यदि समय समय पर कॉर्पोरेट एक्शन कर रहा हो तब भी उस कंपनी में नए बायर्स आते हैं, वॉल्यूम बढ़ता है और शेयर प्राइस में तेजी आती है। तो उस तरह की कुछ चीजें इस स्टॉक में होते हुए दिख रही है। काम तो खैर ठीक है ही, अब बात करते हैं फंडामेंटल का। तकरीबन 66 करोड़ के आसपास कंपनी का वैल्यूएशन है, जो कि बहुत बढ़िया नहीं है, लेकिन पेन स्टॉक के लिहाज से देखते हैं तो ठीक है। जैसे मैंने बताया कि शेयर प्राइस में तेजी आने वाली है, कंपनी का ग्रोथ हो रहा है, तो मार्केट कैप जब 100 करोड़ से ऊपर हो जाएगा तब और भी ज्यादा इसमें तेजी आपको देखने को मिलेगी। पीई काफी महंगा है। देखिए सामान्यतः जो ग्रोथ हो रहा होता है जिस स्टॉक में, जिसकी डिमांड बढ़ रही होती है, उसका पीई महंगा होता ही है, लेकिन हम लोग चार्ट पर लेवल देखेंगे कहाँ पे हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करना है, इसलिए पीई को अभी रहने देते हैं। यहाँ पे समझिए कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है और जो आरओसी है काफी कमाल का है, माइनस में नहीं है, प्लस में है, तकरीबन 3.5% के आसपास रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि आपका आपके पास जो शेयर से उस पर साल भर में कंपनी इतना परसेंट रिटर्न निकाल कर देने का दमखम रखती है आपके इन्वेस्टमेंट पर। और शेयर प्राइस देखेंगे तो यह भी बुक वैल्यू से ज्यादा है, यानी कि ओवरऑल सारी चीजें फंडामेंटल में अभी तक जो चीज हमें चाहिए था अभी तक मिला, फंडामेंटल में और भी चीजों को आगे डिस्कस किया, लेकिन उसके पहले हम सीधे पहले एक साल के चार्ट पर चलते हैं और एक साल के चार्ट पर समझते हैं कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस क्या कह रहा है। देखिए बी एक साल के चार्ट पर जो हम देखते हैं तो आप पाएंगे कि इस कंपनी का शेयर प्राइस सभी आपको अप ट्रेंड में दिखाई देगा। यहाँ पर डब्ल्यू टाइप का फॉर्मेशन भी हुआ था चार्ट पर, जब भी डब्ल्यू टाइप का फॉर्मेशन होता है तो आप सभी जानते हैं कि शेयर प्राइस ऊपर जाता है। डब्ल्यू टाइप का यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ चार्ट पर, टेक्निकल एनालिसिस जो लोग जानते हैं उनको पता होगा। तो अब देखिए डब्ल्यू का मतलब ये हुआ कि अब यहाँ पे आ गया जहाँ पे इसका रेजिस्टेंस है, अब इसको ये ब्रेक करेगा, यहाँ पे एक बार ब्रेक करना होता है, जो कि डब्ल्यू बनाए तो इजिली इसको ब्रेक कर भी देगा, थोड़ा सा पुल बैक ले रहा है। यहाँ पे आपको स्पष्ट दिखेगा कि इस कंपनी का शेयर प्राइस अपने रेजिस्टेंस के पास जाने के बाद, यहाँ पे आपको स्पष्ट दिखेगा कि अपने रेजिस्टेंस के पास जाने के बाद ये कंपनी का जो शेयर प्राइस से पुल बैक ले रहा है, ऊपर गया फिर नीचे आया, पुल बैक लेके फिर ऊपर निकालेगा तो इसको इजीली पार कर देगा। और ऊपर कहां तक जाएगा, जहां तक ये आप हाई देख रहे हैं प्रीवियस हाई, उसके डबल जाएगा, यानी कि 3 रुपए का हाई है, तो इस कंपनी का शेयर प्राइस आपको इजीली 6 रुपए तक, कम से कम 6-7 रुपए तक बहुत शॉर्ट टर्म में जाते हुए दिखेगा। तो यदि आप बहुत कम समय में अपने इन्वेस्टमेंट को डबल करना चाहते हैं तो यहां पे जब रेजिस्टेंस इसको ब्रेक करेगा रेजिस्टेंस को, तो यहां पे एंट्री ले सकते हैं। देखिए चूंकि पेनी स्टॉक है तो पैसा कम ही लगाइएगा, चाहे आपको कितना भी भरोसा हो, और लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं तब तो खैर आप कभी भी इसमें इन्वेस्टमेंट करके अपने पोजीशन को एवरेजिंग करते हुए आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। यहाँ पे एक चीज और भी आपको दिखाऊं, मैं क्यों कह रहा हूँ कि प्राइस इसके ऊपर निकलने के लिए एक रेडी हो रहा है, क्योंकि यहाँ से देखेंगे तो लगातार आपको तेजी इस स्टॉक में ही देखने को मिल रही है, लगातार प्राइस आपको अपट्रेंड में दिखने को यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे क्या हुआ, बहुत ऊपर चला गया था, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हुई, प्रॉफिट बुकिंग प्राइस नीचे आया और फिर डब्ल्यू टाइप का फॉर्मेशन हुआ, फिर प्राइस धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है और ये ऊपर निकलेगा तो जो लेवल मैंने आपको बताया 6-7 रुपए तक भी आप जा सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस भी एकदम बढ़िया काम कर रहा है और काफी अच्छा मतलब ये संकेत दे रहा है कि प्राइस ऊपर जाने वाला है। क्वार्टर्स के रिजल्ट में जो आप देखते हैं कंपनी के, तो आप पाएंगे कि मार्च क्वार्टर के रिजल्ट में कंपनी के जबरदस्त ग्रोथ होते हुए दिखा, तकरीबन 17 करोड़ के आसपास, मतलब 16 करोड़ 81 लाख के आसपास, ओवरऑल 17 करोड़ मान लीजिए इतना का सेल्स हुआ, और सिर्फ सेल्स ही नहीं बढ़ा है कंपनी का, यहाँ पर आपको प्रॉफिट भी बढ़ते हुए दिखा है। प्रॉफिट देखिए तकरीबन 34 लाख से बढ़कर सीधे 81 लाख हो गया, पिछले कुछ समय में लगातार इस फाइनेंशियल ईयर के हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो जबरदस्त आपको इसमें ग्रोथ होते हुए देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल जिस हिसाब से कंपनी का सेल्स हो रहा है, सेल्स होने के बदले कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो आपके हिसाब से क्या लगता है कंपनी ग्रो करेगी कि नहीं करेगी? मेरे हिसाब से पक्का ग्रो करेगी और कंपनी ग्रो कर भी रही है। बैलेंस शीट में जो आप देखेंगे तो पाएंगे कि कंपनी के पास जो डेप्ट होता है, जिसको बोरो भी कहते हैं, सिर्फ 78 लाख के आसपास है, जबकि कंपनी के पास जो कैश पैसा होता है, रिजर्व पैसा, वो 3 करोड़ 13 लाख के आसपास है, यानी कि कंपनी जब चाहे
अपने कर्जों को चुका सकती है, इस मामले में भी ये बढ़िया है। और इसमें देखेंगे तो आपको दिखेगा कि कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो अच्छे खासे मात्रा में इस स्टॉक्स में है, यानी कि तकरीबन 37.5% के आसपास इसमें सिर्फ कंपनी के जो मालिक हैं, जिन लोगों ने कंपनी को बनाया, उनकी हिस्सेदारी है, और पब्लिक हिस्सेदारी 62.51% के आसपास। यानी कि आप जो अलग अलग पेनी स्टॉक देखते हैं तो आप ज्यादातर पेनी स्टॉक में देखेंगे प्रमोटर्स गायब होते हैं, मेजर हिस्सेदारी उसमें पब्लिक की होती है, लेकिन इस स्टॉक में ऐसा नहीं है। इसमें प्रमोटर्स हैं और प्रमोटर्स यदि कंपनी में है, मालिक है, तो मालिक कभी नहीं चाहेगा कि उस कंपनी का नुकसान हो, कंपनी का शेयर प्राइस नीचे जाए। तो आप मालिक के साथ मिलकर पैसा बनाइए मित्तल लाइफ स्टाइल लिमिटेड में। कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन, कमेंट में जरूर पूछिएगा, मैं सबके कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। व्यक्तिगत रूप से जुड़कर बातें करना चाहते हैं उसको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। याद रखें, आप हैं मेरे यानी कि हिमांशु कुमार के साथ, और हम सब हैं एक सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफर पर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।